हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू ऐड फिंगरप्रिंट लॉक, यानी कि इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करें। फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में आना होगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। नेक्स्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर टैप करेंगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग से आप पैटर्न लॉक, फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम फिंगरप्रिंट लॉक ऐड करना सीखेंगे। यहाँ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करिए। फिंगरप्रिंट सेट करने से पहले आपको कुछ एडिशनल पासवर्ड सेट करना होगा, क्योंकि कई बार फिंगरप्रिंट स्कैनर फ़ोन को अनलॉक करने में असमर्थ हो जाते हैं। उस समय आप दूसरा पासवर्ड डाल के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पासवर्ड टाइप में जाके न्यूमेरिक, पैटर्न और अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनमें से पैटर्न लॉक को चुन लेता हूँ। उसके बाद 2 times सेम पैटर्न ड्रॉ करके कन्फर्म कर देंगे। प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंसर। अब आपको अपना फिंगरप्रिंट ऐड करना होगा। इस फोन के पावर डॉम में फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। जिस अंगुलियों को आप सेट करना चाहते हैं उसे क्लीन कर लीजिए। उसके बाद सेंसर के ऊपर फिंगर को अच्छी तरीके से अप एंड डाउन करके मूव करना होगा। फिंगर दबाने के साथ साथ आप वाइब्रेशन महसूस करेंगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो लाइन दिख रहा है, अपना फिंगर को चारों तरफ से मूव करके इंसर्ट लाइन को फिल करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट डेटा ऐड हो चुका है। फिंगरप्रिंट के आगे 3 dotted lines पे टैप करके हमने जो फिंगरप्रिंट डेटा ऐड करी है उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड फिंगरप्रिंट में जाके मैक्सिमम 5 fingerprints को जोड़ सकते हैं। इस फिंगरप्रिंट डेटा को आप स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक और प्राइवेट सेव के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फिंगरप्रिंट डेटा ऐड किया है तो यहाँ फिंगरप्रिंट फॉर हिडन ऐप्स में जाके finger 1 और finger 2 से हिडन एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रीन ऑफ अनलॉक। अगर आप लाइट टच सिलेक्ट करेंगे तो उस फिंगर से पावर की को जस्ट एक बार टच करने से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अगर आप फार्म टच रखेंगे तब पावर की को प्रेस करके अनलॉक करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।